श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मिथुन राशि का 2023 राशिफल बताने जा रहे हैं कि कैसा रहने वाला है। साथ ही संतान प्राप्ति के प्रबल योग कौन से महीने से बन रहे हैं, कौन कौन से महीने आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, किस महीने में गुड न्यूज़ मिलने के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, साथ ही क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने के योग बने। दोस्तों, ये जो हम आपको राशिफल बता रहे हैं ये चंद्र की राशि पर आधारित है, तो चंद्र की राशि से ही अपना राशिफल अवश्य देखें। दोस्तों, मिथुन राशि देखिए हजारों करोड़ों लोगों की होती है और सबके मन में अपने करियर को लेके, अपने विवाह को लेके, अपने संतान को लेके, मतलब कई तरह के क्वेश्चन होते हैं। किसी को अपनी पढ़ाई की चिंता होती है। तो आज की वीडियो में हम आपको हर महीने की जानकारी देने वाले हैं कि कौन से महीने में आपको सावधानी रखनी चाहिए और कौन सा महीना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। तो दोस्तों, उससे जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, 2023 मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इससे पहले जीवन में जो भी आपकी परेशानी चल रही थी वो अवश्य ही दूर होंगी, क्योंकि देखिए शनि की जो ढैया है वो समाप्त होने वाली है और आपका भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि शनिदेव आपके भाग्य स्थान में हैं, गुरु आपके दसवें भाव में है और बुध और सूर्य की युति से बुधादित्य योग बन रहा है। 2023 देखिए 17 जनवरी से आपको बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, पति पत्नी में, हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छा तालमेल बना रहेगा, मतलब लव रिलेशन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही देखिए करियर के लिए आपके जो स्टार्टिंग के दिन हैं जनवरी फरवरी मार्च बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और मिथुन राशि के जातकों को देखिए संतान प्राप्ति के बहुत ही प्रबल योग बन रहे हैं, वो है अप्रैल के महीने से। अप्रैल के महीने से आपको बहुत ही श्रेष्ठ और पूरे वर्ष तक यानी अप्रैल से लेकर दिसंबर तक आपको बहुत ही प्रबल संतान सुख के योग बने हुए हैं। अगर आप पुत्र की इच्छा रखते हैं तो सम दिन के साथ सम तिथि का प्रयोग अवश्य करें। साथ ही मिथुन राशि के जो जातक हैं जो एजुकेशन में है यानी पढ़ाई को लेकर, अगर अप्रैल में कोई उनका एग्ज़ाम होने वाला है, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। साथ ही दोस्तों 30 अक्टूबर से लेकर मतलब नेक्स्ट 2024 30 अक्टूबर तक आपके करियर में परिवर्तन आएगा, यानी आप जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उसमें प्रमोशन मिलने के बहुत अच्छे आपके योग बने हुए हैं। और साथ ही देखिए जुलाई अगस्त और सितंबर के महीने में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप कोई भी मतलब चीज़ खरीदना चाहते हैं, बाइक स्कूटी घर मकान प्रॉपर्टी, तो उसमें बहुत ही अच्छे योग बने हुए आप मतलब खरीद सकते हैं। साथ ही देखिए आपको किस महीने में सावधानी रखनी है, फरवरी और जून का महीने में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है अपने स्वास्थ्य को लेकर। कुल मिलाकर कहा जाए तो 2023 मिथुन राशि के जातकों के लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है, सबसे लकी राशि रहने वाली है मिथुन राशि। साथ ही दोस्तों अगर जिस भी क्षेत्र में अगर आप सफलता चाहते हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे वो संतान प्राप्ति में हो, या किसी भी क्षेत्र में या पढ़ाई के क्षेत्र में हो, अगर आप सफलता चाहते हैं तो गणेश जी की पूजा अवश्य करें। गणेश जी को मतलब बुधवार के दिन लड्डू का भोग अवश्य लगाएं और साथ ही बुध मंत्र का जाप आप अवश्य करें। देखना आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने के बहुत अच्छे योग बनेंगे, क्योंकि देखिए शनिदेव आपके 9th हाउस में है और भाग्य उदय होगा यानी भाग्य का आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति भी आपके 10 भाव में होंगे, उसके बाद देखिए 11th हाउस में जाएंगे, जिससे कि आपको बहुत अच्छे संतान सुख के भी योग बने हैं। जो भी दंपति संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो अप्रैल के बाद का समय आपके लिए सबसे ही शेष रहने वाला है। और साथ ही देखिए शुरुआत में ही बुधादित्य योग बन रहा है, जिससे आपको बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलने के योग बनेंगे, आर्थिक क्षेत्र आपका मजबूत होगा। साथ ही दोस्तों जो हमने उपाय बताया है उसको अवश्य करें तो देखना आपको 100% लाभ मिलेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।